तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की नई टाटा एस गोल्ड डीजल गाड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं जहां पर आपको एक ऐसी गाड़ी की तलाश है जिसके अंदर दोस्तों आप एक अच्छा खासा माल लेके जा सकें, अच्छी खासी आपको पेलोड कैपेसिटी मिले, साथ ही दोस्तों आपकी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसको कि आप किसी भी तरह के कच्चे पक्के रास्ते में चला सकें, साथ ही कोई भी गली के अंदर आप आसानी से लेके जा सकें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा की नई टाटा एस गोल्ड डीजल के बारे में, जो कि छोटा हाथी के नाम से भी काफ़ी फेमस हुई है। दोस्तों ये जो गाड़ी है इसको आप लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बखूबी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक ऐसी गाड़ी है जो कि किसी भी तरह के कच्चे पक्के रास्ते में चली जाती है, पतले से पतले रास्ते में आसानी से मुड़ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट फेशिया की। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर को देखने के लिए काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर विंडशील्ड दी है, इसको क्लीन करने के लिए दो बड़े वाइपर दिए हैं और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत इसको आपके नए हेडलाइट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। एस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, टाटा का लोगो आपको सेंटर में मिलेगा और गोल्ड की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर गोल्ड लेटर के साथ में देखने के लिए मिल जाने वाली है। ब्लैक कलर की जो ये ग्रिल है गाड़ी के फ्रंट फेशिया को काफ़ी इन्हेंस करती है। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लगेगी और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर टेप भी दिया है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर आफ्टर मार्केट जो है फोग लैंप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो फ्रंट फेशिया गाड़ी का काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी अच्छा आपको रोड प्रेजेंस देने वाला है। साइड में आपके ORVM आपको काफ़ी बड़े दिए हैं जिससे कि आप पीछे की साइड में रोड पर एक अच्छी खासी तरह से देख पाते हैं। ड्राइवर का जो साइड में आप देखेंगे चाबी लगा करके आप अपने गेट को लॉक भी कर सकते हैं। बिल्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉलिड है। साइड में भी आपके टर्न इंडिकेटर हैं जिससे कि आपको गाड़ी के अंदर सेफ्टी इनहेंस होती है, आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी शानदार बनी रहती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका एयर इंटेक काफ़ी ऊंचा दिया है जिससे कि बारिश वगैरह के मौसम में पानी वगैरह का जो है यहाँ पर कोई खतरा नहीं होने वाला है। अब हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसके केबिन के बारे में। तो सबसे पहले आप देखें कि गाड़ी का इंटीरियर यहाँ पर कितना शानदार आपको दिया गया है। वॉक थ्रू स्पेस है, यानी कि इस साइड से आप चढ़ें और उस साइड में आप आसानी से निकल जाते हैं, तो वॉक थ्रू स्पेस आपको मिल जाने वाला है। ड्राइवर की सीट काफ़ी अच्छी है, ड्राइवर के साथ साथ एक व्यक्ति की बैठने की और व्यवस्था है, बीच में भी एक व्यक्ति यहाँ पर भी बैठ सकता है अगर वो चाहे तो। सेफ्टी ELR आपको यहाँ पर बेल्ट वगैरह दिए हैं जो कि आपकी सेफ्टी को इन्हेंस करते हैं। डी शेप के साथ में आपका स्टेयरिंग है जिसको कि आप इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। और देखो दोस्तों गाड़ी के अंदर एंट्री लेना कितना आरामदायक है, यानी कि आप यहाँ पर बैठ करके गाड़ी को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। ABC के जो पेडल हैं इनको ऑपरेट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, चाबी आपको यहाँ पर लगानी है। साथ ही दोस्तों गाड़ियों के साथ में आपको मिलता है गियर शिफ्ट एडवाइज़र और एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसके अंदर आपकी डिजिटली तमाम सारी इन्फॉर्मेशन शो होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके खूबसूरत इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के ऊपर शो होती हैं। स्पीडोमीटर, टाइम है, डेफ का कितना लेवल है, आपका फ्यूल का कितना लेवल है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होने लगती हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया है जिसके अंदर आप छोटे मोटे सामान जो है वो रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। आपको अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए USB केबल लगाना है और इजीली आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकेंगे, यहाँ पर रखने की जगह है। रेडियो FM वगैरह लगाने के लिए स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है, ये रीजनरेशन का आपका ऑप्शन है। पावर मोड दिया है आपको यहाँ पर, अगर आपकी गाड़ी से आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो आप इसके पावर मोड को प्रेस करके चलाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा लोड जो है गाड़ी के साथ में ले जाने की पावर मिल जाने वाली है। साथ ही आपको यहाँ पर लॉकेबल ग्लोव बॉक्स भी दिया है, FM लगाने की जगह है। काफ़ी सुंदर सा आपको एक छोटा सा प्यारा सा गियर शिफ्ट लीवर दिया है जो कि आपका 5-speed ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि केबल टाइप के शिफ्ट मैकेनिज्म के साथ में है जिससे कि आप इजीली इसको ऑपरेट कर लेते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर फटीक लेस जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है देखने के लिए मिल जाने वाला है। या आपका पार्किंग ब्रेक लीवर है। तो आप देखें दोस्तों केबिन के अंदर आपको एक अच्छा खासा स्पेस है, सेफ्टी ELR बेल्ट हो गए और यहाँ पीछे की साइड में आपको इसके अंदर जो है एक विंडो भी दिया है जिससे कि आप अपने कार्गो स्पान के ऊपर भी निगाह रख सकते हैं। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए भी एक स्पेस दिया है, दोनों सीट्स के बीच में यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो एक तरह से दोस्तों टाटा एस गोल्ड डीजल के साथ में ड्राइवर की सेफ्टी और कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा है कंपनी के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं धूप में गाड़ी चलाते समय आपको सनवाइजर की सुविधा है, IRVM है, केबिन लाइट है, ऊपर चढ़ने के लिए आपको असिस्ट ग्रिप है। तो इस तरह का आपको जो है वॉक थ्रू केबिन टाटा एस गोल्ड डीजल के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको टाटा एस गोल्ड डीजल का ये केबिन बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो ड्राइवर की सीट है इसके अंदर आपको हेडरेस्ट वगैरह भी दिए हैं, काफ़ी अच्छा कुशन है।
जिससे कि आप कंफर्टेबली काफ़ी लंबी दूरी तक अपनी गाड़ी को अनवरत रूप से चला पाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं टाटा एस गोल्ड डीजल के साथ में मिलने वाली कार्गो स्पैन के बारे में, कार्गो बॉडी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बॉडी है जिसके अंदर आपको 750 kg तक का ऑफिशियल पेलोड मिलता है। हालांकि दोस्तों आप इससे भी ज़्यादा का माल लेके जाएंगे तो गाड़ी जो है अच्छी खासी तरह से माल लेकर के चली जाती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा माल ले जाने की भी सुविधा, यानी कि उतना माल ले जाने की आपको यहाँ पर कैपेसिटी और मिलती है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे चारों तरफ कार्गो बॉडी के साथ में आपको हुक वगैरह भी दिए हैं। इसकी जो ओवरऑल लंबाई है वो है 7 फीट 2 इंच के आसपास इसकी लंबाई है। वहीं अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 4 फीट 9 इंच के आसपास की आपको यहाँ पर चौड़ाई मिल जाती है। तो एक अच्छी खासी कार्गो बॉडी है। पीछे की साइड में आप देखेंगे आपको टाटा की ब्रांडिंग मिलेगी, रिफ्लेक्टर टेप मिल रहा है, काफ़ी सुंदर आपको यहाँ पर टेल लाइट दिए हैं, दो दो आपको पीछे की साइड में रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हैं जिससे कि आप अकेले ही गाड़ी को रिवर्स कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी के साथ में जब आप रिवर्स करेंगे तो पीछे अगर कोई आएगा तो यहाँ पर आपको बीप साउंड से पता चलेगा केबिन के अंदर कि गाड़ी के पीछे की साइड में कोई है यहाँ पर। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपका सेंटर में माउंटेड आपका स्पेयर व्हील है जिससे कि गाड़ी को चलाते समय आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, गाड़ी की हैंडलिंग और कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे लेफ्ट में आपका डीजल टैंक दिया है जिसको कि आप लॉक भी कर सकते हैं। 30 लीटर का आपको यहाँ पर डीजल टैंक दिया है। 12 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए आपकी यहाँ पर एक्साइड की बैटरी दी गई है। 12.5 लीटर के आसपास आपको यहाँ पर जो है डैप भी डालना पड़ेगा। वही दोस्तों हम टायर सेक्शन की बात करें तो आप देखेंगे काफ़ी हैवी आपको यहाँ पर टायर दिए हैं जिनका साइज़ है 145 R12। लाइट ट्रक ये टायर हैं, LT टायर आपको यहाँ पर दिए हैं जो कि अच्छी खासी रोड पर आपको ग्रिप के साथ में चलने का काम करेंगे। अच्छा खासा आपको सस्पेंशन दिया है कमानी पट्टे वाला जो कि 5 कमानी पट्टे आपको पीछे की साइड में दिए हैं, हैवी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। और वहीं अगर हम आगे की बात करें तो आगे की साइड में आपको 2 कमानी पट्टे वाला सस्पेंशन यहाँ पर दिया है। पीछे की साइड में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे और आगे की साइड में गाड़ियों के साथ में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक जो है प्रदान किए हैं। अब यहाँ पर हम टाटा एस गोल्ड डीजल के साथ में मिलने वाले इंजन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 सिलेंडर का BS6 फेज 2 इंजन दिया है जो कि लगभग 700 cc के आसपास का ये इंजन है। और इस इंजन से दोस्तों आपको यहाँ पर 20 HP की पावर और 55 Nm का जो है आपको यहाँ पर तगड़ा टॉर्क इन गाड़ियों के साथ में मिल जाने वाला है। वही दोस्तों अगर हम टाटा एस गोल्ड डीजल की अगर ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 160 mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस गाड़ी के साथ में प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी की लंबाई है 3800 mm के आसपास, चौड़ाई मिलती है आपको यहाँ पर 1500 mm के आसपास, हाइट मिलेगी 1845 mm के आसपास और 2100 mm का आपको यहाँ पर शानदार व्हील बेस मिल जाता है टाटा एस गोल्ड डीजल के साथ में। वही दोस्तों अगर हम ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो 1685 kg के आसपास ओवरऑल आपको इस गाड़ी का वेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको नई टाटा एस गोल्ड डीजल यानी कि छोटा हाथी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, शहर के लास्ट माइल डिलीवरी के लिए आप गाड़ी का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए, गाड़ी को खरीदने के लिए, गाड़ी के बारे में तमाम सारी जानकारी और लेने के लिए आप अपने शहर के निकटतम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की ब्रांचेज यानी कि डीलरशिप पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस जानकारी को आप अपने मित्रों में ज़रूर साझा करें। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।